तो दोस्तों आज हम लोग जो है दया वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि साउथ रीजन की है। वैसे हम लोगों ने अभी तक बॉलीवुड की देखी है, हॉलीवुड की देखी है, जहाँ पे मिस्ट्री क्राइम ड्रामा ये सारी वेब सीरीज जो कि काफ़ी अच्छी रहती हैं, पर यहाँ पे चलिए इस बार जो साउथ की वेब सीरीज देखिए जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे साउथ की मूवीज और वेब सीरीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और जिस भी कैटेगरी में मूवीज और वेब सीरीज बना रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जान डाल देते हैं यहाँ पे वेब सीरीज और मूवीज़ में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉपुलर अब हो रही है साउथ के जितनी भी मूवीज़ हैं। तो दोस्तों फटाफट बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में कि आखिरकार क्या है इस सीरीज़ में। फर्स्टली मैं इस वेब सीरीज़ में बताता हूँ आपको, 8 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं, जिनका रन टाइम आपको हर एपिसोड का अलग अलग है। कहीं पे आपको 30 मिनट है, कहीं पे 45 है, मतलब जो भी रन टाइम है एपिसोड का वो 45 मिनट के नीचे नीचे ही देखने के लिए मिलता है। और बात करूँ इस वेब सीरीज़ के प्लॉट की, तो भाई दिखाया गया है यहाँ पे एक दया नाम का बंदा है जो कि डिलीवरी बॉय एज अ डिलीवरी मैन काम करता है। यहाँ पे जो है एक अचानक से उसकी वैन में एकदम लाश आ जाती है। भाई कहाँ से वो लाश आई है, किसने उसका मर्डर किया है, और क्या वो कोई फंसाना चाहता है दया को, सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो आपको वेब सीरीज़ में देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे दया की फैमिली को एक्सप्लोर किया गया है, और कैसे ये सारी की सारी मिस्ट्री हुई है, कैसे मर्डर हुआ है, सारी सारी चीज़ों को वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, जिस भी बंदे को मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर इस टाइप की वेब सीरीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता है, उसके लिए तो पक्का वेब सीरीज़ बनी है। भाई देखो, इन्जॉय करो, और इसमें हर एक करेक्टर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और आपको देख के पक्का मजा आएगा। सो गाइस देखिए, और कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, यहाँ पे आप सारी की सारी यहाँ पे एपिसोड को है इसको आप जो डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं, और हिंदी में आपको इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे हिंदी डब में ये अवेलेबल है।